IES, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो, अच्छा इस लेक्चर से पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था वो ट्रक उस ब्रिज के ऊपर से निकल रहा था, तो आपने देख लिया वो अच्छे तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये ट्रेन लोड्स होते क्या हैं। जैसे ये आपका ट्रक है, ठीक है, एक व्हील या इसका यहाँ पर है, दिस दिस एंड दिस, ये चार व्हील है और ट्रक इस वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो ये जो व्हील्स हैं ये उसके ऊपर लोड्स लगाते हैं ब्रिज के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रेन लोड्स या फिर ये रोलिंग लोड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं किसी ब्रिज के ऊपर। मतलब रोलिंग मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये लाइव लोड हो गए। मतलब ये ट्रक है, मान लो ट्रक यहाँ से निकल गया तो ये एक तरीके से लाइव लोड हो गया, यहाँ पर लोड आए किसी ब्रिज के ऊपर और वापस से निकल गए तो लाइव लोड हो गया। तो आपको ये प्रैक्टिकल तरीके समझ आ गया होगा। ये केस नंबर टू है हमारा, ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड, ठीक है। मतलब ट्रेन बनी हुई है पॉइंट लोड्स की, ओके। जैसे एक व्हील यहाँ पर है, यहाँ पर है, जैसे ट्रेन मान लो हमारी जो ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन में क्या होता है, व्हील्स होते हैं, ये डिब्बा हो गया ट्रेन का, ठीक है, इस पर व्हील्स होते हैं ट्रेन के ऊपर। तो वो किस तरीके से हमारे जो रेल है उसके ऊपर किस तरीके से हमारे लोड्स लगाएंगे उसकी स्टडी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की हेल्प से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव लोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी तो ये लाइव लोड हो गए, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, UDL स्मॉलर देन स्पान, कि हमारी स्पान से छोटी अगर UDL है तो हमारे जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारी UDL स्मॉलर देन स्पान है, तो हमने देख लिया था, ठीक है। अगर बात आ जाए कि आपकी UDL ग्रेटर देन स्पान है, मतलब आपका स्पान तो इतना है, ठीक है, और आपकी UDL इतनी बड़ी है, ठीक है, UDL बड़ी चली गई स्पान से, तो उसमें भी आपका सेम केसेस रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम के लिए आपकी UDL रखोगे तो आप यहाँ पर रख देना, उसका UDL को यहाँ रख देना, जितने पार्ट में आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लेना और बाकी की UDL को छोड़ देना, वो हमारे कोई काम की नहीं है, बाहर निकल जाएगी अगर लंबी है तो, ठीक है। अगर नेगेटिव के लिए बात करें तो वापस आप हेड यहाँ रख देना उस UDL का, ठीक है, इस तरीके से UDL जाएगी और पीछे का टेल बाहर निकल जाएगा, तो आप इसके लिए कैलकुलेट कर लेना। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स, ओके। तो ये बाहर निकल जाएगा तो इसको छोड़ो, बाहर निकल गई उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, लंबी रह गई तो बाहर निकल जाएगी वो, ठीक है, और अगर छोटी है तो वो हमने देखा था छोटी तो अंदर ही रह जाएगी यहाँ पर, ओके। शियर के लिए बात करें, मैक्सिमम शियर के लिए बात करें तो वापस से आप क्या करोगे, आपका हेड यहाँ पर पुट करोगे, ओके, हेड पुट करके और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर UDL लगाओगे तो आपकी बाकी की बाहर निकल जाएगी। तो आपको अगर आपकी UDL लंबी है या छोटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा हमारा, ठीक है। अगर छोटी है तो अंदर ही रह जाएगी UDL, और अगर लंबी है, स्पान से लंबी है आपकी UDL, तो वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, कोई काम आएगी नहीं, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा, ओके, या तो मैं लेक्चर्स में क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं तो जो टेस्ट सीरीज वाला जो हमारा वो है चैनल है उस पर बहुत सारे टेस्ट अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पूछो ही मत आपको, ओके। अब बात आती है ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड्स की, ये तो समझ आ गया होगा आपको, एक लोड यहाँ पर लगा हुआ है, एक लोड ये लगा हुआ है, एक लोड ये लगा हुआ है, एक लोड ये लगा हुआ है, इन दोनों मतलब लोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D1, इनके बीच की डिस्टेंस D2 एंड ये डिस्टेंस D3। आपका जो P1 लोड है वो लीडिंग लोड है, लीडिंग लोड मतलब सबसे आगे आपका P1 रहेगा और सारे पीछे के लोड्स उसको फॉलो करेंगे, मतलब P1 लोड है ये, तो ये इस डायरेक्शन, मतलब P1 लोड अगर लीड कर रहा है इसका मतलब आपका जो भी ये लोड्स है वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में चलते तो आपका ये P4 लीड करता है इसको और बाकी के इसको फॉलो करते, तो यहाँ पर आपका लीडिंग लोड कौन है, P1 है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो मैक्सिमम शियर मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स किस तरीके से होगा, तो केस नंबर टू है ये। तो शियर फोर्स तो कैलकुलेट मैक्सिमम शियर फोर्स एट अ सेक्शन और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स एट अ सेक्शन, किसी भी सेक्शन के ऊपर अगर हमें मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है, ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है होल स्पान के ऊपर, ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमम शियर मैक्सिमम की बात तो कब करेगा, जब किसी सेक्शन के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, और एब्सोल्यूट की बात कब करेगा, जब पूरे स्पान के लिए बात कर रहा है।
तो जिसको पढ़ लो, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर फोर्स एट अ सेक्शन और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स हिट एंड ट्रायल अप्रोच कैन बी फॉलोड। इस पर क्या करते हैं हम, हिट एंड ट्रायल अप्रोच फॉलो करते हैं और उससे सिंपल रहता है। शेयर के लिए तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शेयर के लिए तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, शेयर के लिए नॉर्मल तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। हिट एंड ट्रायल अप्रोच कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहाँ हो जाता है, बेंडिंग के ऊपर, ठीक है, कि आप मैक्सिमम बेंडिंग निकालो, बेंडिंग मोमेंट निकालो, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो, वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, शेयर के लिए तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज़ कर लेंगे, कैसे करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्या है, फॉर मैक्सिमम शेयर एट अ सेक्शन और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर एट एनी सेक्शन देयर मस्ट बी अ पॉइंट लोड एट दैट सेक्शन। अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है किसी भी सेक्शन के ऊपर, ठीक है, जैसे ये कोई हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्ट मतलब डिटर्मिनेट बीम है, सिंपली सपोर्टेड ही मैं बोलता हूँ बार बार, लेकिन आप ये समझा करो कि मैं डिटर्मिनेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी हम आई एल डी किसकी बनाना सीख रहे हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, बाद में हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की देखेंगे किस तरीके से आई एल डी बनाते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ये जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनडिटर्मिनेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना ये डिटर्मिनेट के लिए है। तो जिस भी सेक्शन के ऊपर अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स या फिर मैक्सिमम शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपका एक लोड उस के ऊपर, उस सेक्शन के ऊपर होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बात आ जाती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, कि किसी भी सेक्शन है, कोई सेक्शन दे रखा है, उस सेक्शन के ऊपर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करो। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, तो हम बात करते हैं कि हमारी कोई भी ये हमारा क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम देखते हैं कि हमारा सी के ऊपर हमें क्या निकालना है, इस सेक्शन के ऊपर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो पहले तो इसकी आई एल डी बना लेते हैं। आई एल डी कैसे बनाएंगे, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिंज प्रोवाइड कर देंगे, और हिंज प्रोवाइड करके ये सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हिंज प्रोवाइड कर देंगे, सी के ऊपर हिंज प्रोवाइड कर देंगे, हिंज क्या करेगा, मोमेंट रिलीज कर देगा, और हम इस पार्ट को इस साइड में और इस पर इस टाइम में मोमेंट लगाएंगे तो उठा देंगे इसको, तो ये हमारा सिंपली इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब इसमें जो स्लोप आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कि हम वन हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो एम वन हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, वन हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो, और अगर इसमें जो स्लोप आ रहा है, ये तो इस स्लोप की बात हो गई, इसमें जितना स्लोप आ रहा है, ठीक है, समझो भी क्या बोल रहा हूँ, और इसमें कितना स्लोप आ रहा है इस वाले लाइन में, कि हम अगर वन हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो हम ऊपर कितना चले जाएंगे, एम टू। ओके, देखो यहाँ दिखा रखा है एम वन एंड एम टू, ठीक है, ये स्लोप दिखा रखा है। ओके, तो देखो अब क्या करते हैं, कि हम अगर डी वन आगे चलेंगे, अगर जो हमारा लोड है, ठीक है, हमारे पॉइंट लोड लगे हुए हैं, ये देखो पॉइंट लोड यहाँ लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है, अब इनके लिए थोड़ी बात कर लेते हैं इसमें, कि अगर आप एम डी वन आगे चलोगे तो आप कितना नीचे चले जाओगे, एम वन डी वन, क्योंकि एम वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एम वन आप ऊपर उठ रहे हो, अगर वन आगे चलोगे तो यहाँ डी वन चलोगे तो एम वन डी वन, डी यहाँ डी वन चलोगे तो एम वन डी वन, डी टू चल जाओ चले जाओगे तो एम टू डी टू हो जाएगा। ओके, अगर ये डी वन यहाँ पर होगा, इसके लिए तो एम वन डी वन आएगा, लेकिन यहाँ पर एम टू ऊपर उठ रहा है, जब हम हॉरिजॉन्टल कितना चल रहे हैं, वन चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा अगर आप डी वन आगे चलोगे तो यहाँ पर एम टू डी वन नीचे आ जाओगे। ओके, अगर मैं बोलने से थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए हो तो कोई नहीं, आप इसको देख के समझने की कोशिश करो। ओके, सिंपल चीज़ बता रखा है, कोई वो नहीं है, ठीक है, ऐसे समझा दिया मैंने तो। तो देखो यहाँ पर बात क्या होती है, ध्यान से सुनते रहो बस। ओके, लोड पी वन मूव टू द राइट, हमारा लोड है वो इस साइड चल रहा है, पी वन है, देन पी टू है, पी थ्री है, एंड पी फोर है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं सारे। ओके, तो लोड पी वन मूव टू द राइट, राइट साइड में मूव कर रहा है वो, तो फॉल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट। तो जब देखो ये P1 चलता चलता यहाँ से P1 P2 यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, तो जब ये लोड यहाँ से चलते चलते P1 यहाँ से आगे निकल गए, इस सेक्शन से जैसे ही P1 आगे निकला तो उसका मोमेंट क्या हो गया, P1 इंटू एम टू डी वन। ओके, एम टू डी वन उसका मोमेंट हो गया, अगर थोड़ा सा आगे आ गया तो, इस सेक्शन से थोड़ा सा आगे आ गया तो कितना हो गया, P1 एम टू डी वन। अब पीछे कौन कौन से लोड रह गए, P2, P3, P4 पीछे रह गए सारे, P1 तो आगे आ गया इस सेक्शन से और बाकी के सारे पीछे रह गए, तो पीछे गेन इन मोमेंट M1, D1 तो ये रह गए इसका, ठीक है, मोमेंट निकालने के लिए, और सारे
लोड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने इसमें ही किया था। ओके तो ये स्लोप इस तरीके से यूज़ आ रहा है यहाँ पर और कोई यूज़ है नहीं। ठीक है इससे कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन देखने के लिए हमने थोड़ा डेरिवेशन सा है वो देख रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, अभी करेंगे क्वेश्चन। ओके तो अब देखो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज कैसे होते हैं कि ये ध्यान रहता कि फाल तो हम कौन सा लें एंड गेन हम कौन सा करें। ओके करते क्या है कि आगे वाले को तो कभी तो लोग क्या है फाल ले लेते हैं या फिर गेन ले लेते हैं, कभी कुछ भी ले लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप लोड चलेगा, लोड चल रहा है आगे, फॉल मतलब गिरना एंड गेन मतलब कुछ गेन करना, तो आप ये ध्यान रखो फॉल का मतलब, फॉल मतलब क्या होता है गिरना। तो अगर लोड चलेगा तो आगे सबसे आगे का लोड ही तो सबसे पहले गिरेगा, अगर कोई खाई है कुछ भी है अगर, ठीक है यहाँ पर कुछ खड्डा है तो सबसे पहले कौन सा लोड लग, पी वन है मान लो, यहाँ पर पी टू है, पी थ्री है, पी फोर है, ठीक है लोड इस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर सारे सारे, तो सबसे पहले पी वन गिरेगा, इसका मतलब हम फॉल किसके लिए लेंगे पी वन के लिए, और गेन फिर बाकी गिरे जाएंगे जो गेन रहेगा। अगर मान लो लोड इस डायरेक्शन में चलते, ठीक है तो सबसे पहले गेन किसको लेते हम, सॉरी फाल किसको लेते, फाल हम P4 को लेते और बाकी सबको गेन ले लेते। ओके आप सोच रहे होंगे गेन ये क्या है, अभी आ जाएगा समझ। ओके तो अब देखते हैं कि नेट मोमेंट में कितना चेंज हो गया, तो गेन माइनस फाल कर देंगे, अगर ये गेन माइनस फाल पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब आपका P2 क्रिटिकल है, P2 लोड है वो क्रिटिकल है। ओके और अगर नेगेटिव आ जाए तो P1 लोड क्रिटिकल है। मतलब P2 लोड क्रिटिकल का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका P2 लोड इस डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ही P2 इसको क्रॉस करेगा तो आपका अगर इधर मैक्सिमम था पहले तो इस साइड मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल का मतलब समझते हो ना। और P1 का क्रिटिकल का मतलब क्या है, चलो इसको अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझ आ जाएगा, अभी इसको ध्यान से देखते रहो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है अगर हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, देखो हमने क्या किया कि जो हमारे P1 R P1 को तो हमने क्या मान लिया R1 एंड P2 प्लस P3 प्लस P4 को क्या मान लिया R2। ओके अब इसको आगे सोल्व करेंगे, अगर ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दो, ओके और ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, ये दोनों वैल्यू यही तो है, ठीक है तो डेल एम हमारा क्या हो गया ये हो गया। ओके अगर हम छोटे सेक्शन की बात करें डी एम मतलब स्मॉल सेक्शन की डिफ्रेंशिएशन के लिए छोटे से सेक्शन की बात करेंगे तो डी वन हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स एंड डी वन क्या हो जाएगा डी एक्स, डी वन ये तो है डी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके डी एक्स को आप इस साइड लेके आ जाओ नीचे इसके, तो डी एम बाई डी एक्स क्या हो गया आर टू एम वन माइनस आर वन एम टू। ओके हमें क्या चाहिए मैक्सिमम मोमेंट चाहिए, मैक्सिमम मोमेंट के लिए ही तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इतनी, तो मैक्सिमम मोमेंट के लिए मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होता है जहाँ पर हमारा शियर फोर्स जीरो होता है, ऐसे बी एम डी में बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि हमारा मोमेंट मैक्सिमम कहाँ रहेगा जहाँ पर हमारा शियर फोर्स जीरो रहेगा, इसको लोग वी भी बोल देते हैं, ठीक है शियर फोर्स जीरो रहेगा वहाँ पर हमारा मैक्सिमम मोमेंट होगा। और मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं एक तरीके से हमारा डी एम अपॉन डी एक्स, ये हमारा एस होता है, शियर फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम डी एम बाई डी एक्स। ओके तो देखो ये डी एम बाई डी एक्स हमारा ये आ गया, अगर हम इसको जीरो रखेंगे मतलब शियर फोर्स को जीरो रख देंगे तो हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ जाएगा, इसलिए हम डी एम बाई डी एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे। तो हमारी तो आगे सोल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या आया आर वन बाई ए इज इक्वल्स टू सॉरी आर टू बाई ए इज इक्वल्स टू आर वन बाई बी, इसका मतलब क्या है आर टू क्या है हमारा आर टू क्या है पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर अपॉन ए इज इक्वल्स टू पी वन अपॉन बी, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये देखो कि ये कोई सेक्शन है अगर, ठीक है तो इस सेक्शन के आगे जितने लोड निकल गए जैसे P1 लोड आगे निकल गया तो उस P1 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस आगे की सारे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू और पीछे के जितने सारे लोड रह गए इस सेक्शन के पीछे के सारे लोड जितने रह गए वो लोड मान लो कुछ भी मान लो उसको, ठीक है वो लोड सारे डिवाइडेड बाय इस साइड के सारे टोटल डिस्टेंस। ओके वो आपकी बराबर होनी चाहिए, एक तो ये रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट होता है हमारे पास। ओके समझ आ गया क्या आता है, देखो डेफिनेशन के फॉर्म में देख लो फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम एट अ सेक्शन द एवरेज लोड टू द लेफ्ट द सेक्शन शुड बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ राइट ऑफ सेक्शन वेलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशंस, लोडिंग आपकी कैसी भी हो चाहे यू डी एल हो यू वी एल हो या फिर पॉइंट लोड हो, क्या होगा किसी भी सेक्शन की बात करोगे तो सेक्शन के इस साइड के सारे एवरेज लोड ओके और इस साइड के सारे एवरेज लोड आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है
ये फॉलो करके हम क्या करते हैं, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे, समझ आ जाएगा इससे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लो आप, इन केस ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट लोड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द सेम एवरेज। लेकिन क्या होता है, जब आपके सीरीज पॉइंट लोड्स की सीरीज होती है, जैसे यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है, कोई 5 का है, कोई 10 का है, ठीक है, कोई 1 का है और कोई 20 का है, तो अब हम किसी सेक्शन की बात करेंगे तो कौन सा लोड कितना किसके ऊपर, कौन सा लोड आगे जाते हैं। अब मान लो कि हम यहाँ पर सेक्शन को रखें या फिर यहाँ पर रखें, मतलब हमारा सेक्शन कहाँ पर रहे कि हमारा आगे का सेक्शन तो लोड एवरेज लोड तो ज़्यादा हो जाए और पीछे का कम हो जाए। मतलब आप तो फाइंड आउट तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट लोड्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द सेम एवरेज, दोनों साइड सेम एवरेज फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा, कि दोनों साइड हमारा एवरेज सेम रहे। हैंस वी टारगेट अ क्रिटिकल लोड, इसलिए हम क्रिटिकल लोड को टारगेट करते हैं। विच वैन प्रजेंट इन द लेफ्ट स्पान, अगर वो क्रिटिकल लोड लेफ्ट स्पान में रहेगा, विल मेक द लेफ्ट स्पान हैवियर, अगर लेफ्ट स्पान में रहेगा हमारा वो क्रिटिकल लोड, तो हमारा लेफ्ट साइड का जो भी स्पान है वो हैवियर रहेगा, मतलब एवरेज उस साइड का लेफ्ट साइड का ज़्यादा रहेगा। अगर इट मूव्स टू द राइट, अगर वो क्रिटिकल लोड राइट में आ जाए उस सेक्शन के, तो राइट साइड का सारा जो स्पान है वो हमारा हेवियर हो जाएगा। ओके, तब समझ आ रही है आपको ये बात कि हम एक क्रिटिकल लोड की बात क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ट्रेन लोड्स होते हैं उसमें दोनों साइड की एवरेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्रिटिकल लोड को टारगेट करते हैं। तो अब अगर ये सेक्शन है, क्रिटिकल लोड मेरा इस सेक्शन के इस साइड है, तो मेरा इस साइड का सेक्शन हेवियर है। ओके, और अगर इस साइड है तो इस साइड का सेक्शन हेवियर है। ओके, तो मेरा अगर इस साइड का सेक्शन हेवियर है, ठीक है, और फिर भी हमारे लोड इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो जैसे ही हमारा इस साइड का सेक्शन हेवियर है अभी, ठीक है, इसको समझो ध्यान से, देखो इसको समझो, समझ आ जाएगा सब कुछ। अगर मेरा क्रिटिकल लोड इस डायरेक्शन में है तो मेरा ये सेक्शन हेवियर है। ओके, और अगर मेरा क्रिटिकल लोड इस डायरेक्शन में है, सॉरी इसी स्पान में है, मतलब इस सेक्शन के इस साइड है, तो मेरा ये सेक्शन स्पान हेवियर है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि मेरा अभी ये वाला स्पान हेवियर है, ठीक है, मेरा क्रिटिकल लोड कहीं इस साइड है, अभी ये हेवियर नहीं है। ओके, मेरा अभी ये हेवियर है, लेकिन अब फिर भी हमारा जो लोड है वो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में लोड्स की, ठीक है, इस डायरेक्शन चल रही है, अभी मेरा ये हेवियर है। ठीक है, फिर आगे थोड़ी चलते चलते ये हेवियर है अभी, ठीक है, हेवियर कौन सा है, ये सेक्शन है। फिर चलते चलते जैसे ही मेरा ये सेक्शन झट से ये यहाँ से पॉइंट लोड है, जैसे ये पॉइंट लोड आगे आएगा यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लोड, तो मेरा ये सेक्शन तो कम होने लग जाएगा और ये सेक्शन ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा वो सेक्शन ये तो कम होने लग जाएगा और ये हेवियर होने लग जाएगा, तो जिस पोजीशन के ऊपर, जिस लोड के कारण हमारा ये पोजीशन आएगी, वही हमारा क्रिटिकल लोड होता है, और उसी पर हमें हमारा क्या करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन से समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी। हमारा ये सेक्शन है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है। ओके, 8 मीटर डिस्टेंस ये है, 22 मीटर डिस्टेंस ये है, ये क्या कर रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो आप इस सेक्शन के ऊपर, सी के ऊपर, ड्यू टू द ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ 10 किलोमीटर लीडिंग लोड। ओके, कि आपकी ये ट्रेन लोड्स दे रखे हैं, देख लो यहाँ पर, ठीक है, 8 किलोमीटर, 15 एंड 10, और ये क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लीडिंग लोड कौन सा है, 10 किलोमीटर, लीडिंग मतलब सबसे आगे वाला लोड। ओके, अगर कोई आपको बोलेगा कि आपको, आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, कोई भी आपका डायरेक्टर आएगा, कॉलेज में बैठे हुए डायरेक्टर आएगा, बोलेगा कि आप ऑडिटोरियम में आओ, आपको सर लीड करेंगे। ओके, तो सर लीड करेंगे मतलब सर आगे आगे चलेंगे और आप सर के पीछे पीछे चलोगे, तो सर क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बोल रखा है कि लीडिंग लोड कौन सा है, 10 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन लीडिंग लोड है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में जाएगा, जब भी तो ये सारे लोड इनको फॉलो करेंगे, ये लीडिंग लोड रहेगा तो। ओके, और आप सब क्या करोगे, टीचर को फॉलो करोगे, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि लीडिंग लोड क्या होता है। ठीक है, समझ आ गई बात, आप क्या करना है, सी सेक्शन के ऊपर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। देखो हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर देखो किस तरीके से करेंगे। ऐसे टेबल बनाओगे आप, ओके, ऐसे सेक्शन के लिए इस तरीके से टेबल बना लोगे। पहले क्या लिखोगे, लोड क्रॉसिंग सेक्शन सी, सी के ऊपर हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सी के ऊपर हमारे लोड कौन कौन से क्रॉस कर रहे हैं एक सेक्शन में, आप वो लिख लो फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में क्या लिखोगे, एवरेज लोड टू द लेफ्ट ऑफ सी,
मतलब सी के लेफ्ट साइड में अगर ये सेक्शन है मेरा, लेफ्ट साइड में देखे लोड सी, मतलब वो पीछे के गेन वाले हैं, और अगर आगे आ रहे हैं मतलब वो आगे वाले फॉल करेंगे, गिरेंगे, तो आगे वाले एवरेज लोड टू द राइट ऑफ सेक्शन सी, तो वो हमारे फॉल है, मतलब आगे के तो फॉल वाले हैं और पीछे के गेन वाले हैं। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि मेरा ये लोड ऐसे कैसे उठा के आप इसको यहाँ रखो, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सबसे आगे कौन सा है 10 है, फिर उसके पीछे 15, फिर उसके पीछे 15, फिर उसके पीछे 8, ठीक है, ये यहाँ से चलते आ रहे हैं, चलते 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 क्या किया कि ये 10 किलो न्यूटन यहाँ से इसी को यहाँ से क्रॉस किया, 10 जस्ट इसने क्रॉस किया है, और बाकी के 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, और 8 यहाँ पर है। ओके क्या किया, सबसे पहले 50 इस 10 ने इसको क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट में लोड क्रॉसिंग सेक्शन सी, 10 ने सबसे पहले क्रॉस किया उसको, ठीक है, तो सारे पीछे के लोड्स का एवरेज क्या हो गया, पीछे कौन कौन से रह गए, 15 15 और 15, तीन लोड पीछे रह गए, और पीछे की डिस्टेंस क्या है 8, ऐसा ही तो अभी अपने ऊपर देखा था कि पीछे कौन कौन से लोड रह गए, ये और ये इसके पीछे रह गए, तो सारे लोड्स डिवाइडेड बाई उस साइड की टोटल डिस्टेंस, अभी हमने देखा था एवरेज देखेंगे तो ये पीछे तो ये रह गए, कितना आया 38/8। ओके और आगे हमारा कौन सा लोड निकल गया सी के, 10, तो 10 डिवाइडेड बाई उसके नीचे की टोटल डिस्टेंस, कि 10 यहाँ से सेक्शन से आगे निकल गया, तो इसके आगे के टोटल डिस्टेंस कितनी है 22, तो 10/22। ओके यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है कि आपका जो गेन वाला है, मतलब सेक्शन के लेफ्ट साइड का जो एवरेज लोड है वो तो ज़्यादा है और ये कम है, मतलब देखो ये इस तरीके से ये तो ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं कि फिर भी मेरा ये लोड ट्रेन धीरे धीरे आगे चलती जा रही है, तो धीरे 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 आगे चलती जा रही है, तो अभी पोजीशन क्या आएगी, तो 10 तो आपका पहले क्रॉस कर गया था, ठीक है, अब क्या होगा कि आपका 15 भी क्रॉस कर गया, तो यहाँ से जस्ट 15 ने यहाँ क्रॉस किया, ये 15 हो गया, ओके ये 10 है, ये लोड है, ओके ये सेक्शन सी आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा 15 पीछे का 15 और ये मेरा 8, ठीक है, चलते चलते क्या हुआ, अब क्या किया 15 ने भी क्रॉस कर लिया सी सेक्शन को, तो बात आ गई कि 15 ने भी क्रॉस कर लिया। ओके तो पीछे कौन कौन से रह गए, अब 15 और 8 पीछे रह गए, डिवाइडेड बाई उस साइड की डिस्टेंस, उस साइड की डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना 8 8, तो यहाँ पर कितना है हमारा 2.875। और आगे कौन सेक्शन से आगे कौन कौन से निकल गए, मतलब फाल में कौन कौन से आएंगे, आगे निकल गए वो फाल में आएंगे, फाल के अंदर, ठीक है, तो आगे कौन कौन से, 10 तो पहले क्रॉस कर गया था और 15 और क्रॉस कर गया, तो नीचे की 22 डिस्टेंस उसके टोटल एवरेज ये कितना है 1.136। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये वाली जो लेफ्ट साइड के सारे एवरेज हैं वो ज़्यादा हैं राइट साइड के एवरेज से, तो देखो अभी तो इस साइड के एवरेज ज़्यादा है, इस साइड के एवरेज चल रहे हैं, मतलब अभी तो क्रिटिकल लोड का कोई अता पता नहीं है कि क्रिटिकल लोड कौन सा है। ओके फिर भी क्या हुआ कि फिर भी मेरा ये सेक्शन आगे चलता जा रहा है, अब क्या हुआ इस 15 ने भी क्रॉस कर लिया उस सेक्शन सी को, तो पीछे कौन कौन से रह गए, पीछे सिर्फ एक रह गया अब 8, तो 8/8 1 हो गया। ओके और आगे कौन कौन से निकल गए, तीन लोड आगे निकल गए सी सेक्शन से, तो उसका क्या हो गया हमारे पास 10 + 15 + 15 डिवाइडेड बाई 22, ये कितना है 1.818। अब यहाँ पर देखो आपका जो ये वाला है राइट साइड का ज़्यादा हो गया, लेफ्ट साइड का कम रह गया, मतलब आपकी यहाँ पर तो यहाँ तक तो क्या हो रहा था कि आपका लेफ्ट साइड का ज़्यादा था, ये ज़्यादा था, ठीक है, ये ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो हो गया कम और ये हो गया ज़्यादा, ये किसके कारण हुआ, इस लोड के कारण हुआ, जैसे ही ये लोड उस सेक्शन से आगे निकला, हमारे सेक्शन जो लेफ्ट साइड का हेवियर था वो क्या हुआ राइट साइड का हेवियर बन गया, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो 15 किलो न्यूटन है ये क्रिटिकल लोड है, तो यहाँ लिख रखा है सेकंड 15 किलो न्यूटन इज ए क्रिटिकल लोड, मतलब सेकंड मतलब कौन सा, ये फर्स्ट तो ये है एंड सेकंड 15 ये है, मतलब मेरा ये वाला लोड क्या है क्रिटिकल लोड है, समझ आ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब ILD तो हम बना सकते हैं, ILD कैसे बना, सी के लिए मैक्सिमम निकालना है ना, तो यहाँ पर हिंज प्रोवाइड कर दो, हिंज प्रोवाइड करके इस सेक्शन को इस साइड उठा दो, इस सेक्शन में इस साइड मोमेंट लगा दो, तो आपका किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ओके ये ऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, ये ऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस, AB/A+B होती है ना, AB/A+B। ओके तो ये तो आप निकाल सकते हो, अच्छा एक बात और आपको करना क्या है, इसका किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से ILD बन जाएगा। ओके अब आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, जो ये क्रिटिकल लोड है इस क्रिटिकल लोड को यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर क्रिटिकल को 15 यहाँ पर, ओके 15 यहाँ पर पुट करोगे, क्या है यहाँ पर करोगे, अब इसके पीछे कौन सा है 8 इसके
पीछे है, इसके आगे कौन सा है, सिंपल इसको उठाओ, ठीक है, इसको उठाना है सिंपली ऐसे कैसे, और जो ये सेक्शन है ये 15 है, इस 15 को यहाँ पुट करना है ऐसे कैसे, इसको उठा करके सीधा ऐसे कैसे रखोगे, तो आगे कौन सा आ गया 15, यहाँ आ जाएगा ये, और इसके आगे ये कि ये 10 आ जाएगा, डिस्टेंस 2 मीटर है इनके बीच की। ओके बस आपको ऐसा ही करना है। देखो आपके ओरिजिनल UDL तो ये बन जाएगी, ये तो आप निकाल ही सकते हो AB/A+B की हेल्प से, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे, ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लोगे, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल लग जाएगा। मतलब कैसे करोगे, आपको ये फाइंड आउट करना है, मान लो इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस तो हमारी ये रही। ओके तो 22 × 8/30, ओके दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ये कितनी आ गई हमारे पास 6 + 2 कितनी है 8, तो डिवाइडेड बाई 8 = 2। अब ये छोटे ट्रेंगल की बात कर लो, ये कितनी है x डिवाइडेड बाई ये कितनी हो गई 6। ओके इसकी हेल्प से आप x फाइंड आउट कर लोगे, मतलब सिमिलरिटी लगानी है ट्रेंगल्स में। ओके यहाँ से आप इस ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ से ये सिमिलर ट्रेंगल लगा लो, दिस ट्रेंगल एंड दिस ट्रेंगल। ओके तो सिमिलर ट्रेंगल लग जाएगा, तो आपकी ये ऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगी। ये ऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वापस से आप सिमिलर ट्रेंगल लगा लो। देखो आप अब इसमें या तो ये दिस ट्रेंगल एंड दिस ट्रेंगल ये सिमिलरिटी लगा लो, या फिर आप कौन से लगा सकते हो यहाँ पर, आप ये ओके और ये वाले भी लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलर ट्रेंगल लगाना, आपको सिमिलर होना चाहिए, किसी भी तरीके से लगा सकते हो आप। ओके और आपने क्या किया, लोड्स उठा के ऐसे कैसे इसके ऊपर रख दिया। ओके 15 यहाँ है, इसके 2 मीटर आगे 15 है, इसके और 2 मीटर आगे 10 है, और पीछे 2 मीटर इसके 8 था, ठीक है। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, ये यहाँ से उठ रहा है तो बीच एक 2 मीटर ये हो गई, 2 मीटर पीछे, तो बाकी 8 है ना टोटल, ये हमारे पास टोटल 8 है, 2 मीटर इसके पीछे क्या लग रहा है, 8 किलोमीटर का लोड लग रहा है, तो पीछे की कितनी रह गई 6, और ये कितनी है हमारे पास टोटल 22, इसके 2 मीटर आगे 15 लगा हुआ है, 2 मीटर आगे 10 लगा हुआ है, तो बाकी की कितनी रह गई ये 18। ओके अब आपको सिंपली तरीके से करना क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो अब क्या करना है, आपको सीधा उन ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है लोड से। कैसे, जैसे ये 8 लगा हुआ है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई दिस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है ये, प्लस ये 15 लगा हुआ है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई ये ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है ये, प्लस ये कितना लगा हुआ है 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई ये ऑर्डिनेट। पॉइंट्स के ऊपर जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको। ऐसा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन किया था, ठीक है, फिर मैंने बोला था कि आप सीधे अब ध्यान रखना है इसको शॉर्ट मेथड से कि हम ऐसा करते हैं। ओके अगर आपको जानना है कि किस तरीके क्यों करते हैं ऐसा, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, जो 2-3 लेक्चर करवा दिए उसमें से शायद फर्स्ट में या सेकंड में मैंने समझा दिया था अच्छे तरीके से। और प्लस क्या करोगे, दिस 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस ऑर्डिनेट। ओके देखो यहाँ पर यही कर रखा है, और आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पर कितना आएगा, 251.200 kN। ओके आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया। अब हमने ये क्या देखा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखा ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर, सेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसी आप इस सी सेक्शन के ऊपर आपका, ठीक है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है अलग बात बता रहा हूँ मैं, इस सेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, सेक्शन के ऊपर आप क्या करो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करो। ओके अब बात आती है नेक्स्ट कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करो पॉइंट लोड के नीचे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर अ पॉइंट लोड, पॉइंट लोड के नीचे फाइंड आउट करना है। कोई भी आपको पॉइंट बता देगा कि जैसे P2 के नीचे आप आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करो, ठीक है, और या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करो। तो आगे के समझने से पहले आप पहले इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझो, इसको देखो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम, ठीक है, जो अलग जो चैनल है जो बना हुआ है भरत कुमार महावर टेस्ट सीरीज़ के नाम से, उस पर बहुत सारे टेस्ट हैं, उस आप टेस्ट देखो, क्वेश्चंस देखो उसके ऊपर, ठीक है, सोल्व करने खुद से कोशिश करो, सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रखा हूँ मैं आप इस। अब मैं इसको अलग अलग क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ इन लेक्चर्स को, मैं साथ साथ ही बता सकता था आपको ये, ठीक है, लेकिन मैं साथ बता दूंगा ना तो आप ये सब मिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, एब्सोल्यूट सेक्शन के ऊपर या फिर किसी पॉइंट लोड के ऊपर, तो सब कुछ मिक्स ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अलग से अपलोड करूँगा। इसलिए पहले आप ये इस लेक्चर को और इसके पिछले वाले सारे लेक्चर से उनको अच्छे तरीके से देखो, इनको अलग अलग रखना, ठीक है, इन सबको मिक्स मत करना, सारे जो कंसेप्ट है अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग ही रखना, मिक्स मत करना। जब आपको अच्छे अलग अलग तरीके से समझ लो इनको, फिर आप एक साथ देखोगे ना तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके तो इस लेक्चर को वापस से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, ये किस तरीके से आया, ऑर्डिनेट्स को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से हमारा क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है, सिंपल है फिर भी, लेकिन देखो एक बार समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को खुद से लिखो
और बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सोल्व करने की कोशिश करो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर अ पॉइंट लोड. वॉच नेक्स्ट लेक्चर. विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. थैंक यू.